मुझे जो भाषा की हेजिमनी जो लगती है ना, मुझे जब मुझे क्रिंज सिर्फ यही लगता है जब आप किसी के डायलेक्ट का मजाक उड़ाते हैं, जब आप किसी के एक्सेंट का मजाक उड़ाते हैं, वो जो क्लासिज्म है ना, मुझे बस वही क्रिंज लगता है। उसके अलावा मुझे कुछ इंटरनेट पे क्रिंज नहीं लगता है। सही बोले। सब कुछ मुझे कोशिश लगता है। जिन लोगों पे आप हंस रहे हैं इस वक्त, ठीक है, वो किन परिस्थितियों में वो वीडियो बना रहे हैं आपको मालूम भी नहीं है, आपका अंदाजा भी नहीं है। आपको उनकी दीवार पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, आपको उनका मोहल्ला पसंद नहीं है जिस कीचड़ वाली गली में वो वीडियो शूट हो रहा है ना, इसलिए आपको क्रिंज लगता है ना। वो जो उनके हिसाब से जो कूल है, जो वो जो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप हंस रहे हैं, क्योंकि आपका प्रिविलेज है कि आपको एजुकेशन मिली है। लैंग्वेज से बड़ा कुछ और प्रिविलेज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। सही बोले, है ना, कि आप साफ भाषा बोल पाते हैं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पैसा नहीं है चलेगा, आप आदमी, एक आदमी जब आपको मिलता है उसकी जेब में फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, पर्स नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि वो अमीर है कि गरीब है? सही बोले, उसकी जबान से पता चलता है ना आपके किस तरह का जीवन रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, कि आप उससे भी आप एक परसेप्शन दे सकते हैं कि नहीं यार ये लड़का तो पढ़ा लिखा, कैसे बोलते कि अरे इतने अच्छा बात कर रहा है, तुम तो भीख कैसे मांग रहे हो? क्योंकि उसकी जबान से वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो प्रिविलेज के बैकग्राउंड से आता है, उसको आता है, वो कर सकता है कुछ, है ना। तो मुझको जो क्रिंज लगती है चीज वो यही लगती है। हाँ, मतलब हैर दैर का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं भाई, ठीक है भी वो। कई बार आप ये नहीं रियलाइज करते कि टीचर भी वही सिखाई है उनको। उसके अलावा भी आपको लैंग्वेज में इतना कॉन्टेक्स्ट है कि जो हम भी बचपन में टीचर्स का मजाक उड़ाते थे, लैंग्वेज में इतना कॉन्टेक्स्ट है कि कहाँ से आप आए हो, क्या सीखा, आपके माँ बाप किस बैकग्राउंड से हैं, कौन से स्कूल आप गए, स्कूल किसी भी गए, कि सब बच्चे सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब तो सेम बात नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि परिवार का परिवेश अलग है ना, आपकी फैमिली जो है वो भी एक बात करता है ना, वहां से आप सीखते हो कुछ चीजें। आप बेसिकली 24/7 चीजें उठा रहे हो, आपकी जिंदगी में 24 घंटे, उसमें से 6 घंटे आप सो रहे हो, 18 में से आप सिर्फ 8 घंटे स्कूल में उठा रहे हो, 10 घंटे तो बाहर हो ना। यस यस। और जो स्कूल के बच्चे बात कर रहे हैं, आपस में जो बातचीत हो रही, वो सब आप उठाता है। इंसान का ज़हन बड़ा वैसा होता है। सही बोले। जैसे कि हमको पता ही नहीं था, हमको कितनी सारी चीजें इंदौर से निकलने के बाद पता चली, 10 तरफ कुछ प्रोनाउंसिएशन से जो हमको मालूम नहीं था। हमको सारी चीजें लगता मूड खराब होता है। हाँ यार, मूड खराब कर दिया यार, मूड खराब कर दिया, सब लोग मूड खराब बोल रहे हैं, दिल्ली का बोल रहे, मूड क्या होता है? बोले मूड होता है। हाँ ठीक है। हाँ साहब, हाँ हमको लगता था ये फलाना बद जलन इंसान है, ठीक है ना, बद जलन नहीं होता, बद चलन है वो। अब आप सुन के सीखा है, आपको लगता ही नहीं कि ये गलत है कभी। हाँ जी हाँ, ठीक है। जैसे कि जेनुइन को इंदौर में जिनाइन बोलते हैं भाई, बहुत जिनाइन बंदा है। हमको लगता था जिनाइन एक अलग वर्ड है, जेनुइन एक अलग वर्ड है। यस। तो हम बोल रहे ही इज वेरी जेनुइन, ही इज जिनाइन, ही इज, तो हमको लोग बोल रहे कि जिनाइन क्या है भाई, हमको जरा सिखाना जिनाइन क्या। तो एक तो वो बात थी, तो मेरे ख्याल से वहां पे तो पहली बार जब हमने इंग्लिश में बहुत सारा बोला, तो एक होता ना कि एक किसी की जबान में फ्लो नहीं होता। यस। तो हमको लगा कि हमको इंग्लिश, तो उस दिन उस फीडबैक आया हमारे जो गुरु थे, टीचर थे, उन्होंने बोला कि इंग्लिश तुमको नहीं आती तो मत बोलो, तुम्हारा इंग्लिश का फ्लो अच्छा नहीं है। तो बड़ी बेइज्जती सी हो गई सबके सामने। तो क्या कि हम जो इंदौर के लड़के हैं, क्योंकि हम सेंट पॉल्स के पढ़े हैं, अच्छे स्कूलों के पढ़े हैं, बचपन से इंग्लिश बोलते थे, तो उनमें तो हम कूल होते थे। यस। इंदौर जब हम पहुंचे तो हमसे भी बड़ा कूल लोग हैं, साफ जबानी में बात करने वाले लोग हैं, हमसे बेहतर इंग्लिश में बात करने वाले लोग हैं, बेहतर साफ जबान में बात करने वाले लोग, हमारा तो भी इंदौरी डायलेक्ट है। यस। तो हमने फिर वहां पे देसी लड़के का कैरेक्टर पकड़ा। फिर हमने ये सब कहना चालू किया कि इंग्लिश नहीं आती हमको, तो अरे हमको तो आई ज्यादा गुड इंग्लिश, ये सब जोक्स करना चालू किया। और 2-3 साल बाद जब कहीं पे इंग्लिश बोलने की बात आई तो बोलना नहीं आया, क्योंकि इतनी आदत हो गई ना, आदत छूट गई उसकी, वो आदत की बड़ी चीज होती है। तो वैसा है, तो इसलिए अब जब दोबारा से कोशिश कर रहे हैं, हाँ, तो थोड़ा बहुत तो बोल ही लेते हैं, गलत हो जाता है तो बस वहां पे। मेरा गाना और इंग्लिश सेम है मेरे से।